वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप ऑटो मशीन में कैसे सर्फ़ और पानी की बचत के साथ कपड़े धो सकते हैं जिन लोगों ने अभी मशीन बाय नहीं की और वो बाय करने का इरादा रखते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि इसमें कपड़े धोने से बहुत ज़्यादा सर्फ़ यूज़ होता है और इससे पानी भी काफ़ी ज़ाया होता है तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही स्पेशल है आज मैं आपको फुल डेमो के साथ बताऊँगी कि किस तरह आप ऑटो मशीन में भी पानी और सर्फ़ की बचत के साथ कपड़े धो सकते हैं और आपका उतना ही सर्फ़ और पानी यूज़ होगा जितना कि आप किसी मैनुअल या सेमी आटो वाशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के

सर्फ़ की बचत के साथ वॉश करने लगे हैं तो मीन मैं एक ही सर्फ को यूज़ करते हुए दो दफ़ा कपड़ों को वॉश करूँगी मैंने कपड़ों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है एक जिसमें कपड़े कम मैले हैं और सेकेंड जो मुझे थोड़े ज़्यादा मैले लग रहे थे तो चलिए हम कपड़ों को ऐड कर देते हैं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में आप हमेशा खोल खोल कर डाला करें और पॉकेट्स वगैरह भी चेक कर लिया करें तो कपड़ों को हम मशीन में ऐड कर रहे हैं मैं, मैं मैक्सिमम फाइव सूट्स जो हैं वो इसमें डालती हूँ इससे ज़्यादा मैं लोड नहीं डालती मशीन पर तो कपड़े चले गए हमारे मशीन में अब हम सर्फ ऐड कर देते हैं सर्फ मैं मोस्टली ऊपर से डालती हूँ जो ड्राई डिटर्जेंट होता है अगर मैं लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ तो फिर उसके लिए मैं पॉकेट को यूज़ करती हूँ चलिए मशीन को पावर ऑन करते हैं और नॉर्मल पे ही मैं कपड़े वॉश करूँगी क्योंकि कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हैं और अब हम वाटर लेवल सेट कर लेते हैं वाटर लेवल मैं सिक्स रख रही हूँ और उसके बाद हम वॉश टाइम सेट करेंगे वॉश टाइम जो इसमें आटो है वो ट्वेल्व है हम इसको ले पे ले कर आते हैं सिक्सटीन पे और रिंस टाइम जो है वो इसका मैं कर दूँगी ज़ीरो क्योंकि हमें टू टाइम कपड़े वॉश करने हैं तो इसलिए हमने पानी को बचाना है और हमने रिजिंग नहीं करनी स्पिन टाइम भी हम ज़ीरो सेट कर देंगे तो ये भी ज़ीरो हो गया तो ये बहुत ही आसान मेथड है बस आपने रिंस और स्पिन को जीरो करना है टोटल टाइम हमारा 18 मिनट्स आ गया है और अब हम इसको कर देते हैं स्टार्ट तो ये देखिए मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है ये अपना वाटर लेवल सिक्स सेट करेगी और फिर कपड़ों को वॉश करना शुरू कर देगी अब मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे आपको बताती चलूँ क्योंकि अब विंटर्स आ गई हैं तो ये जो हमारा टैंकी का पानी होता है ये बहुत ही ठंडा होता है इसलिए मैं इसमें गर्म पानी मैनुअली ऐड करती हूँ इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ आप उसको देख सकते हैं और ये मैंने इसमें गर्म पानी का पाइप डाल दिया है ताकि दोनों पानी मिक्स हो जाए पाइप को अंदर डालकर मशीन का लिड बंद कर देते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं ताकि दोनों पानी इसमें जाएं और मिक्सअप होते रहें और मशीन में ज़्यादा गर्म पानी ना जाए थोड़ी देर मैं इसमें ये गर्म पानी ऐड करती रहूँगी ताकि मशीन के अंदर पानी नॉर्मल हो जाए और ज़्यादा ठंडा ना रहे उसके बाद मैं पाइप को निकाल दूँगी मशीन को पॉज करके मशीन का वाटर लेवल सिक्स हो चुका है और मशीन ने वॉशिंग स्टार्ट कर दी है अब बस आप जाइए और अपना कोई काम करें आराम से सिक्सटीन मिनट के बाद आकर आप कपड़ों को देख सकते हैं मशीन पानी को अब ड्रेन नहीं करेगी तो 15 मिनट्स के बाद हम दोबारा आ गए हैं और ये देखिए जस्ट वन मिनट रहता है और अब बस मशीन ऑफ होने वाली है और ये इसका टाइम हो गया ज़ीरो इसके बाद मशीन जो है वो ऑफ़ हो चुकी है अब हमने क्या करना है ये आप वीडियो देखिए मैं आपको बताती हूँ मशीन का लेड उठाते हैं और अब जो कपड़े हम वॉश कर चुके हैं उनको हम निचोड़ कर निकालते जाएंगे और बकेट में रखते जाएंगे इस तरह से अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है ताकि सर्फ़ और पानी मशीन में ही रहे तो ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है वो लोग इस मेथड को यूज़ करते हुए ऑटो मशीन में आराम से कपड़ों को धो सकते हैं उनका पानी भी बचेगा और उसके साथ सर्फ़ की भी बचत होगी तो बस इस तरह निचोड़ कर मैंने सारे कपड़ों को मशीन से अब निकाल लिया है और इनको बकेट में डाल लिया है और अब आप ये देखें कि हमारा पानी जो है वो भी काफ़ी साफ़ है और उसमें सर्फ भी अच्छी अमाउंट में मौजूद है अब इसी पानी के अंदर हम बाकी के जो कपड़े हमने वॉश करने थे वो डाल देते हैं ये कुछ बेड शीट्स हैं इनको मैं वन बाय वन डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसके प्रोग्राम को सेट करेंगे तो बस सारे कपड़े जिनको मैंने वॉश करना था मशीन में डाल दिए लिड को करते हैं क्लोज़ पावर को ऑन करते हैं नॉर्मल पे ही ये भी मैं वॉश करूँगी और इसके साथ वाटर लेवल हम सिक्स सेट कर लेते हैं वॉश टाइम मैं इसका फोर्टीन रखूँगी और रिंस टाइम हम टू कर देंगे अब यहाँ पर हमें रिंसिंग को ऑन करना है और स्पिन टाइम भी हम टू ही सेट कर देंगे रिंस और स्पिन अब सेकेंड वॉश में हमें ऑन ही रखने हैं मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया है और अब ये थोड़ा सा पानी लेगी क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़र्स्ट वॉश में कुछ ना कुछ पानी यूज़ हुआ है ये अपना वाटर लेवल सिक्स करेगी उसके बाद ये कपड़ों को वॉश करना स्टार्ट कर देगी बस हाफ मिनट इसने मज़ीद पानी लिया था और उसके बाद ये स्टार्ट होगी थी फोर्टी वन मिनट्स लगेंगे और हमारे कपड़े वॉश हो जाएंगे मशीन अब कपड़ों को वॉश कर रही है तो ये देखिए फ्रेंड्स 24 फोर मिनट्स रिमेनिंग हैं वॉश टाइम कंप्लीट हो चुका है रिंजिंग स्टार्ट हो चुकी है बस आप मशीन कपड़ों को दो दफ़ा रिंज करेगी और साथ ही स्पिन करेगी तो मशीन कपड़ों को स्पिन कर ले फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है तो सेकंड वॉश में जो हमने कपड़े डाले थे वो अब कम्प्लीटली वॉश हो चुके हैं मशीन अब पावर ऑफ हो गई है इनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि मशीन ने इनको रिंस और स्पिन भी कर दिया है तो बस इनको अब हम फैला देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे वो कपड़े जिनको हमने फर्स्ट वॉश में निकाल कर बाहर रख लिया था और जिनके अंदर अभी सर्फ मौजूद है और इन्हें हमें कम्प्लीटली वॉश करना है तो बस ये सारे मैंने डाल दिए हैं मशीन के अंदर यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पेशली बता दूँ कि यहाँ पर भी आपने कपड़ों को खोल खोल कर डालना है क्योंकि अगर आप इकट्ठे ही उसी तरह निचोड़े हुए डाल देंगे तो मशीन के लिए स्पिन करना मुश्किल होगा और मशीन जो है वो एरर देना स्टार्ट कर देगी तो इस तरह से आपने खोल कर कपड़ों को डालना है लिड को करते हैं क्लोज और मशीन को पावर ऑन करते हैं और इसके साथ ही हम इसका वाटर लेवल सेट करेंगे जो कि मैं सिक्स रखूंगी उसके बाद हम इसके वॉश टाइम पे आ जाते हैं वॉश टाइम हम जीरो कर देंगे क्योंकि हम वॉशिंग ऑलरेडी कर चुके हैं कपड़ों की अब सिर्फ हमें रिन्जिंग और स्पिनिंग करनी है तो इसलिए वॉश टाइम मैंने ज़ीरो कर दिया है रिंस टाइम मैं इसका टू सेट करूंगी तो ये कर दिया हमने रिंस टाइम टू और उसके बाद हम आ जाते हैं स्पिन टाइम पे स्पिन टाइम भी हम इसका टू ही रखेंगे तो टोटल ये अब 24 मिनट्स टाइम आ रहा है और इस दौरान मशीन कपड़ों को रिंस और स्पिन करेगी चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं अब मशीन कपड़ों को पहले स्पिन करेगी और सारा सर्फ इसमें से निकालेगी उसके बाद ये रिंसिंग के लिए पानी लेगी तो स्पिनिंग मशीन ने स्टार्ट कर दी है टू मिनट्स मशीन ने किया था स्पिन और अब ये रिंसिंग के लिए पानी ले रही है बस अब ये टू टाइम रिंस करेगी और स्पिन करके कपड़े हमारे कम्प्लीटली वॉश हो जाएंगे फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा ये मेथड है कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है आपने फर्स्ट वॉश के लिए कपड़े डालने हैं और रिंस और स्पिन आपने ऑफ रखना है फिर आपने कपड़ों को निचोड़ कर निकाल लेना है जब मशीन वॉश कर लेगी उसके बाद आपने दोबारा से कपड़े डालने हैं और कंप्लीट साइकिल आपने देना है और सेकंड टाइम फिर आपने वॉश टाइम ऑफ रखना है बस इतनी सी बात है बहुत ही आसान है इस तरह से कपड़े वॉश करने और आपके सर्फ़ और पानी की काफ़ी हद तक बचत हो जाती है तो ये कपड़े भी स्पिन हो चुके थे इनको भी मैं निकाल लेती हूँ तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा मेथड जिसके जरिए से मैं सर्फ और पानी की बचत के साथ ऑटो मशीन में कपड़े बड़े आसानी से धो लेती हूँ उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ मजीद वीडियोस के साथ